यो व्हाट इज़ अप क्लैशर्स, अंकुश क्लैशियर्स एंड गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस के कुछ ऐसे न्यू वेज के बारे में जिससे आप बहुत ही अच्छे से क्लैन कैपिटल पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो और आप अपने क्लैन में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो इन क्लैन कैपिटल। तो वो आपको कैसे करना है वो इस वीडियो में आपको बता दूंगा, 5 तरीकों से आप बहुत ही अच्छे से पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो अपनी गेम में। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना जिससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी क्या क्या चीज़ों से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो कंट्रीब्यूशन अपना। तो एंड चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को तो फटाफट से कर दो, आपको इस चैनल पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो मैं लगा छोटी सी इंट्रो, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि आपको जब आप गेम स्टार्ट करोगे, जब आपको क्लैन कैपिटल में होता है तो आपको 100 पॉइंट्स तो ही मिल जाते हैं जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। 100 पॉइंट्स को आपको जाके अपने क्लैन पीक में जाके कंट्रीब्यूशन कर देना, वहाँ पे जाके डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो क्लैन कैपिटल है जो उसका पीक है वो अभी हो चुका है लेवल 2 का, जिसको भाई आप भी कर सकते हो बहुत जल्दी जैसे मैंने किया। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। 100 तो आपको एटलीस्ट मिल ही जाएंगे जब आप गेम लॉगिन करोगे तो वहाँ से मिल जाएंगे, तो फटाफट से जाके वो तो कंट्रीब्यूशन अपना फटाफट से कर दो गाइस, ठीक है। तो देन अगर आप उसके बाद इसको अपग्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सारे के सारे जो क्लैन मेंबर्स हैं उनकी हेल्प चाहिए होगी, तो उनसे आप आगे आगे कर सकते हो। देन उसके बाद गाइस आपको हर रोज डेली रिवॉर्ड मिल जाएंगे, ठीक है, वहां से भी कर सकते हैं। पहले आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे आप देखो छोटा सा एरो आपको नीचे दिख रहा होगा, वहां पे आपको देखना क्लिक करना है। यहां पे आपको सेकंड अटैकिंग ऑप्शन पे ट्राई जाके क्लिक कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहां पे एक ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए मिलेगी, यहां से आपको अभी मेरे 1150 पॉइंट्स देखने के लिए मिल रहे होंगे, बट आपके टाउन के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे टीएस 13 पे 3000, उसके नीचे पे 2050, ऐसा मतलब 2050 एंड ऐसा आपको टाउन के हिसाब से मिल जाएंगे। तो गाइस मेरे इधर इसलिए कम शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने इधर पहले 3-4 बार अटैक कर लिए और बहुत ज़्यादा मतलब पॉइंट्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। आप भी कर सकते हो, एक बार में नहीं होता दूसरी बार ट्राई करो, तीसरी बार करो, ऐसे ऐसे करके अपना पूरा का पूरा 2000 और 3000 कलेक्ट कर लो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे रिटर्न होम पे चलते हैं, वहाँ से जाके आपको 4HP दिखाता हूँ। उधर 2 वे हैं जिससे आप बहुत ही अच्छे से कलेक्शन कर सकते हो। तो गाइस फर्स्टली तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, पहले आपको 500 पॉइंट्स आपके टाउन हॉल के हिसाब से मिल जाएंगे। जैसे अभी मेरा टीएस 13 है तो मेरे को 500 पॉइंट्स डेली रिवॉर्ड में मिल जाते हैं। जैसे आपका टाउन हॉल इससे ज़्यादा बड़ा है तो आपको 600 पॉइंट्स, इससे छोटा है तो ऐसे ऐसे आपके टाउन हॉल के हिसाब से आपको पॉइंट्स डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। जैसे आपका टीएस 10 है तो आपको 300 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो क्राफ्टिंग का जो ऑप्शन है, जो मैंने क्राफ्ट अपने 2 बिल्डर लगा के रखे हुए हैं 4HP, इससे मेरे को 2000 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपका टीएस 14 है तो आपको 2400 मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो क्राफ्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़े से अपने बिल्डर को फ्री करना पड़ता है, ठीक है। अभी मेरे पास कोई भी बिल्डर फ्री नहीं है, आपको बता दे तो कैसे आपको लगाने हैं। यहाँ पे देखो हमारा जो टाउन हॉल होम विलेज का होता है कॉइन, उसके साथ कर सकते हो, एक्सिलियर के साथ कर सकते हो, डार्क के साथ कर सकते हो, देन अपने बिल्डर हॉल के जहां पे आप ट्रूप्स अपने यूज करते हो वो उससे भी कर सकते हो, जो कि गाइस बहुत बढ़िया। 4 बातें तो यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे आप 4 वेज में ले सकते हो। जो 5वीं ट्रिक क्या है तो बहुत ही सारा अच्छी है, वो आपको 21 एंड 54 मिनट के बाद देखने के लिए मिलेगी हमारी गेम में। ये वीडियो को मतलब 5 घंटे हो चुके हैं तो आपको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेगा, मतलब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको 17 और 18 आवर में आपको रेड देखने के लिए मिलेगी, जिससे आप बहुत ही अच्छे से गाइस कर सकते हो कलेक्ट अपने कंट्रीब्यूशन क्लैन पॉइंट्स, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपको रेड पॉइंट्स भी मिलेंगे जिससे आप अपने आप को खुद को डोनेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे को भी शो नहीं हो रहा तो मैं अपनी दूसरी रेड में चल के दिखाता हूँ कि आप कैसे अपने आप को खुद को डोनेशन कर सकते हो। बट अभी मेरे पास रेड पॉइंट्स नहीं है, बट आपको एक बार ट्यूटोरियल से थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस मैं अभी ने टीएस 10 मैक्स टाउन हॉल पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरे को बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ऐड रिफ्रेशमेंट जो भी है, ठीक है, मतलब रीइंफोर्स है, यहाँ पे खुद को खुद ही डोनेशन कर सकते हो, बट उसके लिए आपको रेड पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो रेड पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब आप रेड करोगे। देन गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे आपको बिल्डर लगाने, जैसे मेरा अभी टीएच ये 10 है, उसके बाद मेरे को 1200 पॉइंट्स मिले, ठीक है, आपके टीएच के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते जाया करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला मेरा जो क्रेजी आर्मी क्लैन है, यहाँ पे जाके आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है, मतलब डेली रोड मिले जाके यहाँ पे वहाँ पे जाके ऐड कर दो। यहाँ पे देखो अभी मैं ट्राई पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मतलब ये तो आपको पता लग ही जाएगा जब आप अपने अपने हिसाब से टाउन हॉल पे जाओगे, ठीक है। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, आपका जो क्लैन पीक है वो लेवल 2 का होना चाहिए खेलने के लिए रेड्स वाला, ठीक है, मतलब ये भी आपको बहुत डाउट था कि आप कैसे खेल सकते हो रेड्स। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो, आपको तरीके अच्छे लगे हो, कैसे कैसे आप कलेक्ट करना चाहते हो, कैसे कैसे आपको मिलने चाहते हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर ऐसे बन रहना, मिलते रहेंगे आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। बाय बाय।